चुनाव में मूल निवासी समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था और आगामी लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है इसके लिए भी सभी लोग कमर कस करके भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी में अपनी आस्था रख करके सहयोग करना चाहते हैं। इस कड़ी में मैं भारतीय जनता पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र सेवापुरी का विधायक होने के नाते आप सब लोगों ने मुझे आज यहाँ बुलाया है, एक अतिथि के रूप में मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस नारे को चरितार्थ करने के लिए देश के सभी मूल निवासियों को एक साथ एकत्रित करके जो अंत्योदय का सपना पंडित दीनदयाल जी ने देखा था, डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी ने देखा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए हम सब लोग संगठित होकर के एक समृद्धशाली भारत का निर्माण करने का काम करेंगे। तो मूल निवासी समाज पार्टी के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है, क्या जो मूल निवासी पार्टी की जो अपनी जो मांगे थी, जिन मुद्दों के आधार पर आपके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, क्या वो सारी चीज़ें हो रही हैं, सहयोग हो रहा है, बाकी कर पा रही है? निश्चित तौर पर हो रहा है और जैसा कि आप सब लोगों ने देखा है कि आज गाँव में खेतों खलिहानों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला जो हमारा बूढ़ा बाप है, जो हमारी बूढ़ी माँ है, उसकी भी चिंता भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार कर रही है। आज किसानों का कर्जा माफ हो रहा है, आज इस देश के ऋण जो है किसान हैं, ये कृषि प्रधान देश है और जब तक किसानों